हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। याद रखना, IAS PCS प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के हम लोग 28 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 29वां टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चंस। 29वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस क्या है? ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। सही है, केवल प्रकाश ही इससे होकर गुजर सकता है। ये आपका गलत है। यह एक निर्वात क्षेत्र है। यह भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए, आप लोगों को हमेशा इस पॉइंट को पकड़ना है, या सही है या नहीं है। अगर पूछता कि सही है तो केवल एक सही था, अब पूछा है नहीं है, सही नहीं है, तो दो और तीन आपके गलत हैं। इसमें दो तीन में सही क्या होगा? इस तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण कोई भी पदार्थ या विकिरण इससे बाहर नहीं निकल सकता है। इस प्रकार प्रकाश भी इससे पार नहीं हो सकता है। इस कारणवश वे अदृश्य होते हैं, और ब्लैक होल का पता केवल विशेष उपकरण वाले अंतरिक्ष दूरबीन से लगाया जा सकता है। ब्लैक होल किसी भी वस्तु को अपनी ओर नहीं खींचता है। खिंचाव या सक्शन टैब होता है। जब किसी वस्तु को निर्वात में खींचा जाता है, तब ब्लैक होल निश्चित रूप से निर्वात नहीं है। बिग बैंग के तुरंत बाद छोटे आकार के ब्लैक होल बने होंगे। आइंस्टीन ने पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ वर्ष 1916 में ब्लैक होल के पूर्व के होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। वर्ष 1971 में पहले ब्लैक होल की खोज, जिसे सिग्नस X1 कहा जाता है, 1971 में हुई। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका दो और तीन कथन गलत था, बाकी एक सही था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? गुरुत्वीय तरंगों का निर्माण होता है जब पिंड अत्यधिक तेज गति से गति करता है। सही बात है। जब किसी तारे में विषमतापूर्ण ढंग से विस्फोट होता है। ये भी सही है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। सही है। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए विलीन हो जाते हैं। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपके चारों कथन सही हैं। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा तीसरा। समाचारों में रही सुपारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनमें से सही कथन चुनना है हमें। यह एक प्रकार की सुपारी है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। सही बात है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू तथा लाहौल क्षेत्र में किया जाता है। ये आपका गलत है। क्या है? केवल आपका ये कथन सही है। दूसरा गलत है। दूसरे में सही क्या होगा? दूसरे में सही होगा सिरसी सुपारी को कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी, सिद्धापुर, एल्लापुर तालुक क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी के रूप में परिभाषित किया गया है। सिरसी सुपारी में कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा लगभग 23% से 26% तक होती है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चार क्या है? क्वेश्चन है चार। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU द्वारा निर्मित की है? तो याद रखना, यह आपका परम सेवाए। बी ऑप्शन
सही है। क्वेश्चन 5, क्या है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित में से कौन समाचारों में रहे मिशन शक्ति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो यह एक निम्न कक्षा वाले उपग्रह को लक्षित करने के लिए उपग्रह रोधी मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। ए ऑप्शन सही है। भारत इस मिशन के बाद यूएसए, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास ऐसी तकनीकी, याद रखना। यूएसए, रूस, चीन के बाद चौथे नंबर पर भारत। क्वेश्चन है 5, छठवा, क्या है क्वेश्चन? गिल्ट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गिल्ट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गिल्ट फंड निवेशक अपने धन का निवेश केंद्र तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में करते हैं, सही है। गिल्ट फंड के साथ ब्याज दर जोखिम नहीं जुड़ा होता, ये आपका गलत है। केवल एक कथन आपका सही है इसमें। गिल्ट फंड ऋण बाजार के साधन है, इनमें साख जोखिम बहुत कम होता है, लेकिन इनका रिटर्न ब्याज दरों के बदलाव पर अत्यधिक निर्भर होता है। इनमें ब्याज दर का जोखिम जुड़ा होता है, इनमें ब्याज दर का जोखिम जुड़ा होता है। क्वेश्चन है 7वां, क्या है? भारत शीतलन कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत शीतलन कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40% कम करना है, सही है। यह उत्पादों की क्षति को कम करने और शीत श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगी, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 8, क्या है क्वेश्चन नंबर? समाचारों में रही बोल्ड QIT परियोजना है, समाचारों में रही बोल्ड QIT परियोजना है, भारत बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक परियोजना है। तो इसमें 8 में ए होगा, क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 9, क्या है? समाचारों में रहा एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट मिशन संबंधित है, यह ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष मौसम को संचालित करने के लिए वायुदीप्ति एयरग्लो पर ध्यान केंद्रित करेगा, सही है। यह इस बात की जांच करेगा कि सौर कण तूफान कितनी अधिक तेजी से सौरमंडल में मुक्त होते हैं, यह आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इसमें केवल दो कथन सही नहीं है, एक कथन इसमें सही है। यह सनराइज मिशन जो इस बात की जांच करेगा कि अंतरिक्ष मौसम तूफान सूर्य से कितना विशाल है, क्या किसकी जांच करेगा? अंतरिक्ष मौसम तूफान सूर्य से कितना विशाल है तथा सौर कण तूफान कितनी अधिक तेजी से सौर मंडल से मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है? राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह खनियों के उत्खनन और परिवहन के लिए तटीय जलमार्गों और अंतर्देशीय नौ परिवहन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है, सही है। यह निजी क्षेत्रों में खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव करती है, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सहन अभ्यास। निम्नलिखित पर हमें युग्मों पर विचार करना है, क्या करना है? विचार ही करना है और सही सम्मिलित देखना है। ये आपके सैन्य अभ्यास हो गए, ये भागीदार देश हो गए जो इसमें भाग लेते हैं।
नगा है, भारत ओमान के बीच होता है, सही बात है। एप AFINTEX 19, भारत और अफगानिस्तान के बीच। संप्रीति 2019, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। तो तीनों कथन आपके सही हैं इसमें, क्या है, तीनों कथन सही हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 12 क्या है, क्वेश्चन 12 क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के तीन सम स्थानिक हैं, इनमें होती है, क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ये आपका गलत है, समान परमाणु भार, ये भी आपका गलत है, प्रोटॉन की संख्या समान, सही बात है, समान परमाणु संख्या, ये भी सही है। तो इसमें तीन और चार सही है, बाकी एक दो गलत है। समस्थानिक, आइसोटोप एक विशिष्ट रासायनिक तत्व के प्रकार हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्नता होती है। किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप टोपों में प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक तत्व के विभिन्न आइसोटोप्स आवर्त सारणी पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। चूंकि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सभी आइसोटोप टोपों के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिक क्या है, संभारिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूक्लियंस की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका तीन और चार सही था जी। क्वेश्चन है 13 क्या है, निम्नलिखित यौगिकों पर हमें विचार करना है, ये मिश्र धातु है आपकी, ये संयोजन है, सही देखना है कौन सम्मिलित कर रहा है इसमें, कांसा, तांबा और जस्ता, ये गलत है, पीतल, तांबा और टिन, ये भी आपका गलत है, टंका, सीसा और टिन, ये आपका सही है। 13 में केवल आपका 300 सही है, बाकी एक और दो गलत है। मिश्र धातुएं धातु यौगिक होती हैं जो दो या दो से अधिक धातु या धातु से बनती हैं। सामान्य मिश्र धातुओं के उदाहरण कुछ हैं, जैसे स्टील, लोहे, कार्बन, जो पीतल है आपका, तांबा और जिंक धातु, तांबा और जिंक धातु से बनी हुई है, और जो आपका कांसा है ये आपका तांबा और टिन से बना हुआ है, किससे याद रखना, कांसा है जो आपका ये तांबा और टिन की एक मिश्र धातु है, और पीतल, पीतल आपकी तांबा और जिंक की एक मिश्र धातु है, और टंका जो सीसा और टिन की एक मिश्र धातु है। ठीक, तो इसमें क्या सही था, केवल तीन सम्मिलित था। क्वेश्चन है 14 क्या है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन से हैं युग्म, ये हैं एंजाइम्स हैं और ये पोषक तत्व हैं, अमाइलेज वसा, गलत है, लाइपेज स्टार्च, ये भी आपका गलत है, टैप्सिन प्रोटीन, ये आपका सही है, केवल तीन सही है इसमें, बाकी एक और दो आपके गलत है। विभिन्न एंजाइम भोजन को शरीर द्वारा अवशोषण योग्य बनाने के लिए उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने के उपयोग में आते हैं। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है जब यह खाना चबाते हैं। हमारे मुंह की लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। छोटी आंत में लाइपेज को जो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है, और
वसा को वसा युक्त अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जबकि एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 3 सही था, क्वेश्चन नंबर 14 में केवल 3 सही था। याद रखिए, आपकी पीडीएफ जो भी होती हैं टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करती रही। क्वेश्चन है हमारा 15, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करती है। सही है, इसका इस्तेमाल इमारतों में विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप जैसे छोटे उपकरणों के लिए नहीं। ये आपका गलत है। क्या है, एक केवल सही है और दूसरा आपका गलत है। दूसरे में सही क्या होगा, ईंधन सेल तकनीक की क्षमता प्रामाणिकता सघनता और शोर मुक्त संचालन की सुविधा प्रदान करती है। ईंधन सेल पर्यावरण रूप से अनुकूल होता है। ईंधन सेल विकेंद्रित विद्युत उत्पादन तथा ऑटोमोटिव अनुपयोग के लिए अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ अपने सूक्ष्म आकार की तुलना में भिन्न तरीके से व्यवहार करता है। सही है, इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा निदान और दवा वितरण, जल शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में किया जा सकता है। ये आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपके दोनों कथन सही है। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 17, दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तक दोषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। गलत है, मायोपिया को दूरदृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका गलत है। प्रेसबायोपिया आयु बढ़ने की एक स्थिति है जिसमें आंखों की अनुकूलन शक्ति कम हो जाती है। ये सही है, इसमें केवल आपका 3 कथन सही है। क्या है, 3 कथन सही है, बाकी 1-2 गलत है। सामान्यतः दृष्टि के 3 अपवर्तक दोष होते हैं। पहला है आपका मायोपिया या पास देखने की क्षमता, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया दूर देखने की क्षमता, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। मायोपिया है जो इसे नज़दीक देखने की क्षमता भी कहते हैं। मायोपिया इसे हम लोग नज़दीक देखने की क्षमता भी कहते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस प्रकार से उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है किसे मायोपिया को, जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दूर की वस्तुएं देखने की क्षमता भी कहते हैं। इसे हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देखते हैं, किंतु पास की वस्तुएं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। आँख के इस प्रकार को विकार को उपयुक्त पावर वाले उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रिया दोनों से ग्रसित हो सकता है। ऐसे लोगों को द्वि फॉक्सी लेंस की जरूरत होती है। और जो प्रेसबायोपिया है, आँख के देखने की क्षमता फ्रेया उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। अधिकांश लोगों में पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें नज़दीक की वस्तुएं बिना उपयुक्त चश्मे के देखने में कठिनाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका तीसरा केवल कथन सही था। क्वेश्चन है 18, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? सितारों का टिमटिमाना है, आकाशगंगा में इंद्रधनुष है, जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त, यह है आकाश का नीला रंग, ये नहीं है। तो 18 में आपका डी होगा, क्या होगा? आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग होना समुद्र की गहराई में जल का रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना काश के विकिरण के कारण होता है, प्रकाश के विकिरण के कारण। ठीक है, क्वेश्चन है 19। कार्बन में अपने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस गुणधर्मिता को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं, कार्बन में अपने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस गुणधर्मिता को कहते हैं हम लोग श्रृंखलन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है अगला हमारा 20, क्या है? रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निलय शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। गलत है। सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथलन दाब क्रमशः 120 पारा और 80 mm पारा होता है, ये आपका सही है। रक्तदाब को मैनोमीटर से नामक यंत्र से मापा जाता है, ये आपका सही है। इसमें आपका 2 और 3 सही है, केवल एक कथन आपका गलत है। वह बल जिसे रक्त धमनी की भित्ति के विपरीत डालता है उसे रक्तदाब कहते हैं। वह बल जिसे रक्त धमनी की भित्ति के विपरीत डालता है उसे हम लोग रक्तदाब कहते हैं। यह दबाव नसों की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है। निलय संकुचन के दौरान धमनी के अंदर खून के दबाव को संकुचन दाब कहा जाता है। अनुशीथलन के दौरान धमनी में दबाव डायस्टोलिक दाब कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 19-20 में आपका सी ऑप्शन सही था, 2 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के संदर्भ में ट्रांस क्रिप्टोम पद संदर्भित है, तो याद रखना यह एक जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूरी श्रृंखला है। क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है? निम्नलिखित में कौन आलिंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है? पुनर्जनन, मुकुलन, संयोजन नहीं है और विखंडन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 22 में आपका सी होगा। ठीक है, 22 में क्या होगा? सी, विखंडन जब माता पिता विखंडन जब माता पिता के शरीर में पुत्री का शरीर आकर ग्रहण करता है तो प्रजनन की इस विधि को विखंडन कहते हैं। पुनर्जनन अनेक भिन्न जीवों के भागों से दूसरे नए जीव उत्पन्न होने की क्षमता को पुनर्जनन कहते हैं। वान स्पितिक प्रजनन, ऐसे अनेक पौधे हैं जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 23, क्या है? पुनर्संयोजित DNA प्रौद्योगिकी जीन अंतरण की अनुमति देती है पादपों की विभिन्न प्रजातियों में, सही है। जंतुओं से पादपों में, ये भी सही है। सूक्ष्म जीवों से उच्च जीवों में, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका डी होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर 23 का डी है। ठीक, क्वेश्चन है 25, नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मिशन के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, सही है। यह मिशन नैनो प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों को मूलभूत अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका।
क्वेश्चन है 25। क्या है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित में से कौन किंतिम पर्ण का उपयुक्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन किंतिम पर्ण का उपयुक्त वर्णन करता है? यह जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पौधों की पत्तियों की नकल करता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसमें। क्या है 25 का? बी। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है।